हेलो स्टूडेंट्स, हेलो सर। आपका ओपीएस मैथ्स क्लासेस में मोस्ट वेलकम। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर टू का रिवीजन। चैप्टर टू नहीं करा रहे, उसका रिवीजन, री प्लस विजन, उन्हें दोबारा देखना। और रिवीजन उसी का होता है जो पहले आपने कर रखा है, सीख लिया। कोई डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। सारे क्वेश्चंस नहीं कराएंगे, कुछ पार्ट्स एक्सप्लेन करेंगे ऑन योर बोर्ड। देखिए, चैप्टर का नाम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर एंड कन्वर्ट इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। एक्सरसाइज 2.1 क्लास 7 न्यू एसआई। तो इसमें हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? एक नंबर न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है, एक ऊपर और एक नीचे, लेकिन ये पॉजिटिव होते हैं फ्रैक्शन। तो न्यूमरेटर कम है, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, टू छोटा है, फाइव बड़ा है। तो एन फॉर न्यूमरेटर और डी फॉर डिनोमिनेटर, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, इट इज कॉल्ड प्रॉपर। प्रॉपर फ्रैक्शन की पहचान न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ये ग्रेटर देन का साइन है, लेस देन का साइन है। यहाँ पर 7 न्यूमरेटर है और 5 डिनोमिनेटर है, 5 छोटा है और 7 बड़ा। इस केस में क्या आएगा? न्यूमरेटर इज ग्रेटर। मिक्स्ड में क्या होता है? जब कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, उसको मिक्स्ड में बदल देते हैं। किसमें बदल देते हैं? मिक्स्ड में। तो मिक्स्ड में एक पार्ट तो होल पार्ट होता है, एक क्या होता है होल और दूसरा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। जैसे आपका 7/5, 7/5 कैसे आया? 7/5, तो 7/5 ये 7 बड़ा है, 5 छोटा है, इसलिए इट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर। इसे हम मिक्स में बदल रहे हैं। किस में बदल रहे हैं बोलो? मिक्स में। तो मिक्स में कैसे बदलेंगे? जो बड़ा नंबर है वो होता है डिविडेंड, है ऊपर वाले को हमेशा अंदर लिखो, नीचे वाला डिवाइजर होता है। फिर हम यहाँ टेबल का यूज करेंगे, 5/5 नहीं लेंगे, 5 × 10 बड़ा होता है, 5 × 10 बड़ा होता है, 5/5 सब टैड करेंगे 2, यही आएगा। अब यहाँ पर तो इसको मिक्स्ड में बदलना है, तो होल पार्ट कितना आ गया? होल पार्ट तो आ गया 1 और इसे ऊपर लिखेंगे और ये, तो ये होल पार्ट आ गया, होल पार्ट 1 है और ये इम्प्रॉपर, वो कौन सा फ्रैक्शन आ गया? इम्प्रॉपर नहीं, प्रॉपर आ गया। कौन सा आ गया? प्रॉपर, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है। तो मिक्स्ड में क्या होता है? मिक्स्ड में एक तो होता है होल नंबर, क्या आता है? होल नंबर और एक क्या आता है? प्रॉपर और पर फ्रैक्शन। हैव यू गॉट इट? यस सर। तो ये चीज हमने पहले सिखाई है। मिक्स्ड आ गया समझ में? मिक्स्ड कब बदलोगे? जब न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर से डिवाइड करके उसे बदल दोगे, एक होल पार्ट आएगा और एक प्रॉपर। लाइक फ्रैक्शन, लाइक मतलब जिनके बेस इक्वल हो। बेस का मतलब डिनोमिनेटर सेम हो। इसका डिनोमिनेटर 3/5, 7/5, 9/5, दीज आर लाइक फ्रैक्शन। ये लाइक फ्रैक्शन क्यों है? बिकॉज दैट दे हैव सेम डिनोमिनेटर। समझ में आ गया? इज इट क्लियर? आगे बढ़े। अनलाइक फ्रैक्शन जिनके बेस इक्वल ना हो। बेस का मतलब डिनोमिनेटर, इसका 8 है, इसका 2 है, इसका 3 है, दे हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर। समझ में? सो दीज आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शंस के ऊपर ऑपरेशन होंगे। ऑपरेशन क्या होगा? प्लस भी हो सकता है। दो फ्रैक्शन को आपस में प्लस करना, दो फ्रैक्शन को आपस में माइनस करना, दो फ्रैक्शन को आपस में
मल्टीप्लाई करना, दो फ्रैक्शन को आपस में डिवाइड करना, ये आ गई। तो अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम करा चुके हैं, जो नेक्स्ट उसमें देख लेना आप वीडियो में। और अब अभी हम उठा रहे हैं थर्ड का कोई भी एक पार्ट हम ले लेते हैं, थर्ड का कोई भी हम एक पार्ट ले रहे हैं, फिर उसे हम करके आगे बढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, फर्स्ट पार्ट 7 into 3 upon 5, तो यहाँ पर 7 into 3 upon 5, ठीक है। सेवन इंटू थ्री अपॉन फाइव, उन्होंने पहले कहा मल्टीप्लाई, क्या करो मल्टीप्लाई। जब बीच में इंटू हो तो कभी एलसीएम नहीं लेती है, कभी एलसीएम नहीं। ये नंबर इससे कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। फाइव से थ्री भी नहीं कट रहा, फाइव के टेबल में सेवन भी नहीं आता, तो मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर का 7 into 3, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से कर लो 21 upon 5, ये नंबर अभी ऊपर न्यूमरेटर बड़ा है, जब भी न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से तो क्या करो डिवाइड। तो हम यहाँ पर 21 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 बन जा 1, 5 बन जा 5 कम है, 5 2 जा 10 कम है, 5 3 जा 15 कम है, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 ज्यादा हो जाए तो यहाँ से 21 में से 20 गया 5 तो इसका पहले डिवाइजर लिखो नहीं ये क्या आया ये क्वेश्चन क्या है क्या आया ये डिविडेंड ये डिवाइड तो पहले क्वेश्चन लिखो, बीच में एक ऐसा साइन लगाओ, फिर रिमाइंडर ऊपर लिखो और डिवाइजर नीचे लिखो, ये मिक्स में बदल गया। किसमें बदल गया? मिक्स में बदल गया ना, चार तो और पार्ट हो गए, चार पूरा और एक फाइव में से 1 upon 5 एक प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। जैसे अब हम इसका 8 पार्ट ले रहे हैं, क्यों रिवीजन है सारा तो नहीं कराएंगे, 8 पार्ट ले रहे हैं। 8 पार्ट में क्या है 2 into 4 upon 5, ठीक है। आप चाहो तो पहले मल्टीप्लाई कर सकते हो, पहले मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे मल्टीप्लाई किससे होगा, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का। पहले चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो या फिर आप डिवाइड भी कर दो पहले तो भी चलेगा। 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा 4 5 4 20। अब क्या बचा 4 into 4, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर, तो 16 विल बी योर फाइनल एंड करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट से और ये 8 पार्ट कर दिया। अगला पार्ट को हम देखते हैं, एक और देख ही लेते हैं इसमें से, फिर आप सब कर लेना। 15 into 3 upon 5, तो आप क्या करो, आप पहले न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, इनटू है एलसीएम ही लेंगे, इन बिटवीन कौन सा साइन है इनटू, या एलसीएम मत लेना जहां भी इनटू हो दो नंबर के बीच। आप क्या करो 15 को 5 से डिवाइड कर सकती हूँ, अच्छा 5 से अगर यहाँ 30 होता तो 5 से ए भी नंबर कट सकता है, 5 से ए कट सकता है या ए कट सकता है, एक बार में यूज हो जाएगा। ये देखिए 15 into 3 upon 5, 5 बन जा 5, 5 3 जा 10, समझ में आ गया, 5 खत्म हो गया। अब ये आया ऊपर 3 into 3, नीचे 1, 9 upon 1, 9 को किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करो तो हमेशा सेम नंबर आता है 9, तो ये 9 आ गया। हैव यू गॉट इट? आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, आ रही है कि नहीं आ रही है। अब यहाँ पर
जैसे कुछ एग्जांपल्स हम ले रहे हैं, एग्जांपल्स में देखिए, या इसका एक पार्ट और ये लेते हैं कोई, जैसे इसका सेवन पार्ट ले लिया, कौन सा पार्ट ले लिया, सेवन पार्ट, सेवन पार्ट है इलेवन फोर अपॉन सेवन। तो यहाँ पर आप कहोगे कि यहाँ क्यों नहीं काट रहे, यहाँ कोई नंबर कट ही नहीं रहा, सेवन से ना फोर डिवाइड होगा, सेवन से ना इलेवन कंप्लीटली डिवाइड होगा, सेवन के टेबल में ना इलेवन आता है, सेवन के टेबल में ना फोर आता है। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, फाइंड, फाइंड की जगह सिंप्लीफाई भी लिख सकते हैं, फाइंड द वैल्यू, सिंप्लीफाई, इवैल्यूएट, सॉल्व, कुछ भी लिख सकते हैं, डोंट वरी। जब आपको बोर्ड मास सिखाया है, बोर्ड मास, तो बोर्ड मास कहता है पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट एक बार होता है, एक ए वाला होता है, एक ए वाला होता है, एक बड़ा ब्रैकेट होता है। बार वाला भी आपने पढ़ा नहीं है, ये वाला पढ़ाया आपने छोटा, फिर बीच वाला पढ़ाया आपने कर्ली ब्रैकेट, फिर बड़ा रेक्टेंगल होता है, समझ में आया। और ऑफ, ऑफ जब हटता है, ऑफ हटता है तो इनटू आता है, और ये फिर क्या है, डिवाइड का साइन है, ये किसका है, मल्टीप्लाई का, ये किसका है, एडिशन का, ये किसका है, सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई भी पहले कर दो अंतर नहीं पड़ता है। बोर्ड मास, तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग आप ऑफ हटाएंगे तो इनटू, ये 24 बीच में इनटू है, कभी भी भूल करके एलसीएम की बात मत करना। अब ऊपर का नंबर कटेगा, 2 बन गया 2, 2 2 जा 4, मतलब 24 को 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। तो दिस इज योर फाइनल एंड करेक्ट आंसर। आई होप कि आपके समझ में आ गया। हैव यू एनी डिफिकल्टी? नो। अब इसमें से कोई एक पार्ट और उठा लेते हैं, जैसे ये है 4 upon 5 of 20। Listen to me carefully. First work ये है, listen to me carefully. All of you, look at on your solution. तो इसमें 4 upon 5 of को हटाएंगे, हमेशा into लगाएंगे, ये 20। अब 4 से 5 तो 5 से 4 डिवाइड नहीं हो रहा, 4 5 से डिवाइड नहीं हो रहा, पर ये नंबर तो डिवाइड हो रहा, बीच में इनटू है, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर नहीं कटेगा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर नहीं कटेगा, 4 5 या 20 इसे मत कर देना, अपना न्यूमरेटर अपने न्यूमरेटर को नहीं कट करेगा, अपना डिनोमिनेटर अपने डिनोमिनेटर को कट नहीं करेगा, ये न्यूमरेटर कट होगा 5 से, 5 की टेबल में कब आता है, 4 5 समझ में आ गया, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इसमें से आप रिमेनिंग पार्ट्स आराम से करिए और कर सकते हैं और करना भी चाहिए। अब जैसे हम क्वेश्चन नंबर 6 ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 ले रहे हैं हम, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज नेक्स्ट नंबर। पहले आप क्या करो, अटेंटिव, पूरा अटेंशन पूरा होना चाहिए, अटेंटिव होइए, यहाँ पर बोर्ड के ऊपर देखिए, लिसन टू मी केयरफुली, ऑल ऑफ यू, रिटन वर्क शुड बी नॉट कंपल्सरी, अभी आपको समझना है। थ्री एंटिटीज, ये जो मिक्स है, मिक्स्ड में है, तो हम क्या करते हैं, इस नंबर का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15 आएगा, फिर होल नंबर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई 5 into 3 15, अब न्यूमरेटर को इसमें ऐड कर दो, तो ये टोटल क्या बना, 16। तो यहाँ पर लिखेंगे आप 16 upon 3। एवरीबॉडी टू ऑल ऑफ यू, एवरीवन डिफिकल्टी नो, अबे 3 से 3 कट गया, 3 बन गया 3, 3 बन गया 3।
तो 1 का 16 से मल्टीप्लाई 16 और 1 को लिखना है तो लिख दो, नहीं डिवाइड करने से कोई अंतर नहीं पड़ता, एज इट इज सेम नंबर आता है। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी किसी को? नो सर। अब इसमें से कोई हम एक पार्ट और ले रहे हैं, आपका एफ पार्ट ले रहे हैं। एफ पार्ट इधर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का एफ पार्ट, इसमें क्या है 3 2 1 5 0, इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम क्या पढ़ेंगे 3 3 2 5 3 2 5 इंटू 8, 3 होल नंबर है और पार्ट है, ये कौन सा है प्रॉपर है, तो इसे हम देखिए, हमने क्या कहा था होल नंबर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से करो और इसमें न्यूमरेटर प्लस कर दो तो 17 बन गया। देखिए आप फिर से, होल नंबर 3 है, इसका डिनोमिनेटर 5 है, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 15 आएगा, न्यूमरेटर बचा उसको प्लस कर दो, यही तो यहाँ पर किया था आपने, क्या किया था यहाँ पर बोलो, 5 का मल्टीप्लाई 3 से 15, ऊपर का न्यूमरेटर ऐड किया, वर्किंग तो वही है ना, तो यहाँ पर आप क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 17 upon 5 into 8, क्या यहाँ पर 5 के टेबल में 17 आता है? नॉट। 5 के टेबल में 8 आता है? नॉट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 17 का 8 से न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना, न्यूमरेटर का बोलो न्यूमरेटर, तो ये 17 into 8 देखिए, टेबल्स आपको 19 तक याद होना चाहिए अगर आपको मैथ्स अपना अच्छा करना है, और SPS भी 30 तक याद होना चाहिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169 और 14 का 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का 256 और 17 का 289 और 18 का 325, इस तरीके से आपको 30 तक याद होंगे, टेबल्स भी याद होंगे तब मैथ बहुत अच्छा आएगा। अब यहाँ पर क्या है बोलो, न्यूमरेटर बड़ा है, जब भी न्यूमरेटर बड़ा हो तो उसे डिवाइड करो, तो डिवाइड करो किससे डिवाइड करो, डिनोमिनेटर से, ये ऊपर वाला नंबर अंदर आएगा ये डिवाइड है, तो कितना 5 2 10, अब 5 3 15 ले दें तो बड़ा हो जाएगा, अब इसमें से माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, आ गया 30 में से 10 गया तो कितना आया 3, 3 में से 0 गया 3, 1 में से बन गया 0, अब ब्रिंग डाउन करो 6 को, 5 का टेबल पढ़ो जो इसके पास, 5 बन जाए 5 कम, 5 टू जा 10 कम, 5 3 जा 15 कम, 5 4 जा 20 कम, 5 5 जा 25 कम, 5 6 जा 30 कम, 5 7 जा माइनस करोगे 6 में से 5 किया 1, 3 में से 3 किया कुछ नहीं, अब यहाँ पर पहले होल नंबर लिखेंगे, होल नंबर के बाद ये रिमाइंडर लिखते हैं, फिर किसकी बारी आती है क्वेश्चन की, नहीं हाँ हाँ गलत हो गया, अब पहले रिमाइंडर लिखेंगे फिर डिवाइडर, करो एक सेकंड डिस्टर्ब मत करो, ये पहले आपका क्वेश्चन वो डिवाइडर आ गया, पहले क्या आया डिवाइड, अरे तुम कंफ्यूज कर रहे हैं हमको, रुक जाओ सबसे पहले, हाँ ये पूरा परफेक्ट बन गया, ये पहले आएगा होल नंबर क्या बन गया पूरा 27 टाइम्स तो पूरा चला गया, तो क्वेश्चन आएगा क्या आएगा, पहले क्वेश्चन आएगा फिर ऊपर रिमाइंडर आएगा फिर नीचे, ये बन गया ना मिक्स्ड नंबर, क्या होता है बोलो मिक्स्ड नंबर, कंफ्यूजन में पड़ गए हम, क्वेश्चन 27 फिर रिमाइंडर, समझ में आया, फिर दिस इज योर फाइनल, आई होप कि आपके समझ में आया होगा, एक्सरसाइज 2.2 2.1 हमने रिवाइज की आपके लिए और आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया हो तो एक बार वीडियो देखें, अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो कमेंट करें, अगर आपको हमारी पढ़ाई हमारा वीडियो अच्छा लगता है
लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड, भगवान का धन्यवाद करो, अपने माता पिता का धन्यवाद करो, अपने टीचर्स का भी धन्यवाद करो।